शहीद करने वास्ते तैयारी की गई। इतिहास कहता है कि उन्होंने तैयार करके एक उस सिकंजे दे विच फिट किया गया ते सीस ते आरा धरन तो पहला जलाल आपस विच विचारा करते ने कि आपां आरे दे जिहड़े दंदे ने इस नूं तिखे कर लईए ते उस वेले भाई मती दास उन्हां दे बोल सुन के कहिंदे कि मैं भी अपने मन नूं तिखा कर लवां। ये बोल जो सुने जलादा ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारे सिख नूं पुछदे ने कि साडा आरा ते रेती दे नाल टकोरे दे नाल तिखा हो जाएगा तुहाडा मन किहदे नाल तिखा होवेगा। ते गुरु का सिख कहिंदा कि साडा मन जिहड़ा है गुरु की बाणी दे नाल गुरु के वचना दे नाल साडा मन जिहड़ा उह बलवान हो जाएगा ये डोलेगा नहीं। गुरु की संगत सचमुच जदों शीश ते आरा रखिया भाई मती दास जी ने सतगुरु गुरु नानक देव महाराज नु याद करके ते नवे पातशाह दे संबंध विच जदों उन्हां ने आखरी इच्छा पुछी ते उन्हां कहा कि मेरा मुख सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब वल होना चाहीदा है। क्यों? क्योंकि मैं जिउंदे जी सतगुरु साहिब जी नु पिट नहीं दित्ती ते शहीद होवां ते तां वी सतगुरु साहिब जी दे सन्मुख सतगुरु साहिब जी दे पावन वचन हन कि अहंकारिया निंदका पिट दे नाम देव खलाया। गुरु की संगत जो आरा सीस ते रखिया सतगुरु साहिब जी की पावन बाणी की उचारण शुरू होया ओंकार सतनाम करता पुरख प्रेम दे नाल मिठास दे नाल तोर अंदरों उस प्रभु की याद विच जुड़ गए भाई मती दास जी। आरा चलदा इस सीस ते दो हिस्से हो गए गुरु की संगत ते उस वेले आवाज की आउंदी है कि जिनी नाम ध्याया गैर सकत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। ए गुरु का सिख है भाई मती दास एदे वल वेखदे ने जलाद एदे वल वेखदे ने उहनां दे किरंदे कि ए ते रता वी डरे नहीं घबराए नहीं। फिर भाई दयाला जी नूं कहिंदे देग दे विच उबालिया गया इसे तरह उहनां वी अपने सिरक दे विच पास होए। भाई सभी दास जी नूं रूह दे विच लपेट के अग्नि सपुरद कर दित्ता गुरु की संगत। पर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे अनन प्यारे सिख हस हस के शहीदियां पा गए क्योंकि तारी किसे कवि ने ये बोल लिखे ने कि सिख कौम तलवार तो हुई पैदा तेगा खादिया ते तेगा मारिया है लाल लहू तो रंग के लाल कपड़े चोले पहन रहे शहीदा लदारिया ने जद भी देश जा कौम ते पई बिरता जाना मारने कर करके मारिया है मुख तो मुख ते बन के नहीं लिया लिया सिरा दे नाल सरदारिया है। हुण सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे वल जलादर दा ध्यान होया ते गुरु की संगत जलाद डरावा देते ने कि तुहाडा शीश जिहड़ा है घर नाल अलग कर दिता जाएगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कहते कि मैं तेग दे धनी दा पुत्र हाँ जिसने कदे दो तलवारां पहनियां सन क्योंकि वड़े वड़े जंग जो योधे जिहड़े होए उन्हां दे हाथ विच इक तलवार जां इक शस्त्र हुंदा है। पर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जिन्हां दे संबंध विच भाई साहिब भाई गुरदास जी दे पावन बोल हन पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोढ़िया रूप दिखावण वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी। मैं उस सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज का फरजंद हाँ जिन्हें जमदे तेगा दी शाम आणी है इस करके मैनू तेरिया तेगा का कोई डर नहीं है। गुरु की संगत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं शहीद करन वास्ते कहिंदे ढोल वजा के मनियादी करके।